तहसील ठाकुरवाड़ा में देखिए ये किसानों के हित में धरना चल रहा है और किसान धरने पर बैठे हैं और यहाँ पर किसान देखिए बाजार लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं। प्रधान क्या कहना चाहोगे, किसान किसान परेशान है या किसान खुशहाल है या बदहाल है? किसान खुशहाल है या बदहाल है? अरे किसान खुशहाल है या बदहाल है? नहीं बोल सकते। देखो किसान डर लगा हुआ है और देखिए भारत बंद है, 8 तारीख में भारत बंद का ऐलान है लेकिन अपनी बात कहने से भी लोग कतरा रहे हैं अपनी बात। देखिए ये हमारे एक नए सच बोलेंगे हमारे चैनल में, सर वेलकम है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। सर इस समय जो किसान अपनी मांगे लड़ रहे हैं और किसान धरने पर बैठे हुए हैं, किसानों क्या सही लड़ रहे हैं क्या गलत लड़ रहे हैं? चलिए कल भारत बंद का भी ऐलान है, वो भारत बंद होने जा रहा है और देखिए ऐसे में ये तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं कि ठाकुरवाड़ा में बेचारे ये जो किसान और मजदूर हैं जो खड़ लगाए हुए हैं हाथ पर हाथ रखे हुए हैं, इतनी मंदी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है? सब्जी नहीं बिक रही है, इसका कारण क्या है? काम नहीं है और किसान और मजदूर बुरी तरह से लूट गया है और इसी तरह से लूटता चला रहा है। पीजिए भैया चाय पीजिए, देखिए मैं भाई हो रहे हैं हमारे, देखिए भैया हमारे देखिए यहाँ लाइन देखिएगा यहाँ देखिए जिस बाजार के अंदर यहाँ बहुत ही तेजी से यहाँ लोग दिखाई देते हैं और भीड़ रहती है, बात करने तक की फुर्सत नहीं होती है और भैया हमारे बैठे हुए इस समय खाली बैठे हुए पल्ले पर बैठे हैं। हाँ भैया क्या कारण है जो ये क्या भैया दुकानदारी कैसी हो रही है? बहुत अच्छी है सर दुकानदारी, काम नहीं है, उसकी बेकारी है। बेकारी है, बेकारी का कारण क्या है भैया? कारण बेकारी नहीं है, रोजगारी नहीं है, मोदी परेशान करा है कि तो काम नहीं दे रही। अच्छा परेशान है आज इस बात के लिए बना रही वीडियो तो वीडियो क्यों बना रहे हो? ये वीडियो यूँ बना रहे हैं हम हिंदुस्तान के समाज के धर्म हिंदुस्तान का। देखिए क्या तस्वीर, पूरा कल भारत बंद है, 8 तारीख में भारत बंद है, यहाँ किसानों के हित में जो चल रहा है, ये किसान क्या अपनी मांगे जो लड़ रहा है क्या सही है या गलत है? कुछ नहीं बोल पाएंगे। हाँ भैया 8 तारीख में भारत बंद है और देखिए एक दिन पहले की भी तस्वीर है और ये हाँ द क्रेजी मैन न्यूज चैनल हौसला सच दिखाने का किसी में इतना दम नहीं है जो देखिए जो सही दिखा सके और सच दिखाने का हौसला। भैया देखिए देखो कितनी भीड़ रहती, भैया मेरे भैया हैं लाइन पे ले रहा हूँ। भैया देखिए किस तरह मत दी आप बताइए कि इससे बहुत दुख होता है मुझे कि किसान और मजदूर बुरी तरह से परेशान है। क्या है यहाँ तो भैया क्या है ये? बाजार ही ऐसा देखो भैया जिस बाजार के अंदर फुर्सत नहीं होती है और क्योंकि आप बात करने तक की फुर्सत नहीं होती है। आज आपको एक ग्राहक को खाली बैठना पड़ गया, इसका कारण क्या है? लॉकडाउन है और क्या है? लॉकडाउन देखिए और ये भैया देखिए कितनी बेहतरीन चीज है जो कि देश के अंदर और देखिए भसीनदार लोग खाते हैं लेकिन ये बेचारे भैया ये किसान ही है और देखिए हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। भैया जो चीज ये बिक जाती है और एकदम से लोग खरीद लेते हैं, जो चीज एकदम बिक जानी चाहिए आज वो चीज ये ऐसे नहीं आ रही। भैया क्या कारण है बताओ? बधाई है किसान। भैया किसान खुशहाल है या बदहाल है? बदहाल है और किसान देखिए किसान बुरी तरह से इस तरह लूट गया है, बर्बाद हो गया। देखिए ये हमारे परेशान है किसान, बुरी तरह परेशान है और किसान का देखिए कोई साथ नहीं दे रहा है। क्या किसानों का हमें साथ देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? साथ देना चाहिए, देखिए किसानों का साथ देना चाहिए। और देखिए ये है हमारे एक लालाजी बेचारे, ये भी एक किसान है लेकिन देखिए जो मैं कभी यहाँ वीडियो बनाता हूँ तो इनके पास इतनी लाइन लगी रहती है कि ये बोलने तक की इनके पास फुर्सत नहीं रहती है और आज इनके पास कोई भी खड़ा हुआ ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा। क्या सच है? सच है। तो यही तस्वीर पूरे बाजार की नजर आ रही है। बाजार क्या ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर सन्नाटा है, इसका कारण क्या है? देश परेशान है क्योंकि किसान परेशान है तो देश परेशान है और किसान कहीं ना कहीं बर्बाद हुआ है,
लुट गया है और किसान का साथ देने वाले लोग नहीं, हम लोग साथ नहीं दे रहे हैं। हाँ भैया देखिए ये बेचारे हरी मिर्च, हाँ भैया कितने रुपए पाओ, 10 रुपए पाओ बेचा है, लेकिन देखो यहाँ पर जब मैं यहाँ कभी आता हूँ तो ये बेचारे मुझसे बात करने तक इनको फुर्सत नहीं होती और इस बाजार के अंदर यहाँ लाइन लग रही है। हाँ भैया सच है क्या झूठ? सच है। अच्छा भैया ये किसान बेचारे अपनी मांगे लेकर के दिल्ली में लड़ रहे हैं और हड़ताल पर बैठे हैं, तो क्या अपनी मांग सही लड़ रहे हैं या गलत लड़ रहे हैं? सही लड़ रहे हैं। हमें इनका साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि भारत बंद का ऐलान है 8 तारीख में, तो क्या सभी को उनका साथ देना चाहिए? साथ देना चाहिए। और बाकी इस मुद्दे के बारे में क्या कहेंगे आप? चलिए देखिए ये है तहसील थालवाड़ा की तस्वीर और यहाँ जो बाजार के अंदर भीड़ लगी रहती है, अक्सर बड़े पैमाने में भीड़ लगती है, क्योंकि एक भाई है मेरे हैं, भैया वेलकम है न्यूज़ चैनल में हमारे। भैया बहुत बुरी तरह से आप, मैं देखता हूँ जब मैं यहाँ आता हूँ तो आपके पास फुर्सत नहीं होती है बात करने के लिए, लेकिन आज इस बाजार के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल खाली हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, क्या कारण है इसका? दुकानदारी नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है, दुकानदारी नहीं है, और किसान क्या आबाद है या बर्बाद है इसमें? किसान तो बर्बाद है इसमें, किसान बर्बाद है। महल का व्यवहार है, देखिए ये जो बाजार के अंदर भीड़ लगी रहती है और बाजार के अंदर भीड़ नहीं है। देखिए भैया आप भी दिखाया जाना है, न्यूज लाइव दिखाया जाना है, क्या कैसे भैया आपको फुर्सत नहीं मिलती है? यहाँ ये जो बाजार में देखता हूँ बड़े पैमाने पर बाजार होता है और यहाँ लाइन लगी रहती है, आज यहाँ देख रहा हूँ कि आप खाली बैठे हैं, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि लोगों की कमाई नहीं हो रही है, लोगों की कमाई नहीं हो रही है, धंधे बंद हैं, धंधे बंद हैं, किसान परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, जो देश को जगाने वाला अन्नदाता किसान ही परेशान है, तो देश परेशान होगा या खुशहाल होगा? परेशान होगा देश, परेशान होगा। सरकारों से परेशान है, सरकार से जो मांग लड़ रहे हैं किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, तो किसान और मजदूरों की सरकार को सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? सुननी चाहिए। सरकार के कानों तक क्यों नहीं रेंग रही है? सरकार अपनी मनमानी करने पर लगी हुई है। और देखिए अक्सर मैं देखता हूँ नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, इससे सका चली नहीं सरकार। चलिए लाखों किसान परेशान है, लाखों किसान परेशान हो, भुखमरी के कगार पर है, खिलाफ बोले। अच्छा कल भारत बंद का ऐलान है किसानों के इसमें, तो किसानों के इसमें हमें क्या उनका साथ देना चाहिए? उनका साथ देना चाहिए, कल भारत बंद रहेगा, अपना काम बंद रखेंगे। बिल्कुल देखिए ये है हमारे देश के वासी, हिंदुस्तान वासी हमारे और किसानों के हित है। वेरी गुड। हाँ भैया बस चलिए कोई बात नहीं है, देखिएगा ये है बाजार की तस्वीर और देखिए इस बाजार के अंदर अक्सर बड़े पैमाने पर भीड़ लेती है और बिल्कुल भीड़ नहीं है। आप कुछ बोलोगे चैनल कुछ बोलेंगे कुछ बेटा? ये भीड़ और आज भीड़ नहीं है। हाँ तो ये बेचारे जो हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं किसान, इसका कारण क्या है, क्यों परेशान है बेचारे ये? हम बाजार करने आते हैं और रोज भीड़ रहती है, आज भीड़ इतनी, आज भीड़ कम है। देखिए इनको तो आपको दुख है इनके लिए, है ना? सोशल डिस्टेंसिंग बना रहेगा, चलिए सोशल डिस्टेंस तो बना रहेगा, लेकिन बेचारों के इनके पेट कैसे पलेंगे जो इनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पापा आएंगे, अब्बू आएंगे और हमारे गए हैं और ये जो बेचारे हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं ऐसे में। अच्छा कुछ देश के लिए कुछ कहना चाहोगे आप, कुछ संकेत देना चाहोगे देश में, आप क्या करते हैं? कोली भारत बंद रहेगा जी, और भारत में जितनी भी परेशानियां हैं हम सब लड़ेंगे, सब लड़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बच्चों से सीखना चाहिए और हम युवा देश के मुर्दे हो गए हैं और बच्चे, देखिए बच्चे देश की धरोहर हैं, मम्मी पापा में जान नहीं रही है, मम्मी पापा झूठे हैं और बच्चे सच हैं, और एक दिन अपने न्यूज चैनल से सच्चा बनाऊंगा आपको और अच्छा बनाऊंगा। चलिए वेलकम है आपकी जी। देखिए ये बेचारे कितनी बढ़िया, कैसी बेहतरीन गोभी रखी हुई है, बर्फी की तरह गोभी रखी हुई है, और देखिए यहाँ चीज तो कोई दिखाने वाला भैया, कोई पेपर कोई न्यूज चैनल इन चीजों को नहीं दिखाता ना, क्योंकि उसे पैसा नहीं मिलेगा। ये सही है या गलत है? तो सर बोलना चाहेंगे कुछ? क्या बोला बताओ?
ये जो किसान और मजदूर अपनी मांग लड़ रहे हैं, क्या ये सही है या गलत? चलिए बाजार करिए, आप बाजार में ये सब, और मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो बाजार बड़े पैमाने पर होता था, यहाँ पेड़ रखने की भीड़ नहीं रहती है। और यहाँ देखिएगा कि लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज मंडी इस कदर है और किसान मजदूर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और ये बर्बादी के कगार पर है, और किसान और मजदूर दम तोड़ने के कगार पर है। और तमंगी सरकार और सरकार के कार्यकर्ता, सरकार अभी एक भाई आए और वो कहने लगे, काहे की वीडियो बना रहे हो, किसी में दम नहीं है सच दिखाने का, सच दिखाने का हौसला द क्रेजी मैन न्यूज चैनल, और मैं सच ऐसे ही लगातार दिखाता रहूँगा, तुम्हारे अंदर दम नहीं है जो सच्चाई को मार सको।